गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स की। स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स है क्या और हम इसे कैसे राउंड कर कर लिख सकते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। तो अब हम शुरू करते हैं राउंडिंग नंबर्स। तो राउंडिंग नंबर में हम सबसे पहले बात करते हैं नियरेस्ट 10 की। ओके स्टूडेंट्स, नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में हम ये देखते हैं कि हमारे वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है। जैसे हमारे वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो इसके लिए हमने कोई भी एग्जांपल दे दिया 1, 3, ये हमारा हो गया 13। अब हमें इसको राउंडिंग नंबर में करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे वंस प्लेस पे 1, 2, 3 या फिर 4 है, अगर हमारे वंस प्लेस पे 1, 2, 3 या 4 है तो हम उसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, हमने टेंथ प्लेस का जो 1 था उसको हमने ऐसे लिख लिया, और चूंकि हमारे वंस प्लेस पे जो हमारा वंस प्लेस है वो 3 है ना, तो हमारे वंस प्लेस पे 1, 2, 3, 4 में से कोई भी डिजिट अगर है, जैसे कि हमने देख लिया इसमें हमारी 3 डिजिट आ रही है, तो अगर ये इतनी डिजिट में कोई भी डिजिट वंस प्लेस पे है तो हम उसको ज़ीरो कर देते हैं, इसलिए इसका जो ये नंबर हो गया राउंडिंग नंबर वो 10 हुआ। ऐसे ही देखते हैं, हमने ले लिया 1, 6, ठीक, हमने ले लिया 1, 6। अब इसका राउंडिंग नंबर क्या होगा, तो इसके लिए आप देखो, अगर नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो इसमें अगर वंस प्लेस पे अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है, अगर वंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8 या 9 है तो हम सबसे पहले तो हमको 0 लिखना ही है, ठीक है। अगर वंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो हमें जो सामने की डिजिट है उसमें +1 कर देना है, तो 1 है +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमें नंबर मिला वो हो गया 20, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नंबर हो गया 20। ऐसे ही हम बात करेंगे 12 की, क्योंकि 12 में वंस प्लेस पे 2 है तो सबसे पहले 0 और जो डिजिट यहाँ पहले दी है उसको हमने ऐसे ही लिख लिया, ये हमारा हो गया 10। अब हमने एग्जांपल दे दिया 17, तो 17 में हमने देखा कि हमारे वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस में 5, 6, 7, 8, 9 में अगर कोई भी डिजिट है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 तो करना ही है दोनों में वंस को, तो हमने इसको 0 कर दिया। अब चूंकि 5, 6, 7, 8, 9 में डिजिट हमारी मिल रही है वो डिजिट है 7, तो जब डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे दी है तो हम उससे जो उसके आगे वाला डिजिट होता है यानी टेंथ प्लेस पे, हम उसको जस्ट उसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो इसमें +1 ऐड किया, ये हो गया 20, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये नियरेस्ट 10 समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नियरेस्ट 10, अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की। तो नियरेस्ट 100 में हम बात करते हैं नियरेस्ट 100, ठीक है। अब नियरेस्ट 100 में जैसे हमको नियरेस्ट 10 में देखना होता था वंस प्लेस, अब हमें नियरेस्ट 100 में देखना होगा टेंथ प्लेस, इसमें हमें टेंथ प्लेस देखना होगा। आपने पहले तो नियरेस्ट 10 में देखा कि वंस प्लेस, ठीक है, तो वंस प्लेस हम देखेंगे जब हम कभी नियरेस्ट 10 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अगर हम 100 में देख रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे टेंथ प्लेस, इसमें हमने वंस प्लेस देखा और इसमें हम टेंथ प्लेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेंथ प्लेस हमने, चलो ठीक है टेंथ प्लेस, तो टेंथ प्लेस में हमने क्या किया,
टेंस प्लेस जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 134। तो वंस और टेंस, टेंस में क्या आ रहा है? थ्री। अगर टेंस में थ्री आ रहा है तो इसका राउंड नंबर क्या होगा, इसका राउंडिंग नंबर क्या होगा? तो अब इसके लिए मैं आपको बता दें, अगर टेंस प्लेस पे वन टू थ्री फोर है तो वो डिजिट ज़ीरो ज़ीरो, टेंस प्लेस की और वंस प्लेस की डिजिट ज़ीरो ज़ीरो होगी, ठीक है। और जो उसका राउंडिंग नंबर करने के लिए हमारा जो सबसे हंड्रेड पे नंबर होगा वो वन या टू या थ्री है, वो सेम आ जाएगा। जैसे कि हमारे टेंस प्लेस पे थ्री है, अगर यहाँ पे टू वन या फोर भी होता तब भी हम टेंस प्लेस पे ज़ीरो लिखते, और वन प्लेस पे फोर है इसको भी हम ज़ीरो करते। अब हम क्योंकि यहाँ पे थ्री है तो हम अपने हंड्रेड प्लेस की डिजिट को हम ऐसे ही लिख लेंगे 100। अगर यहाँ पे 154 होता तो, अगर 154 होता तो हम आपको बताते हैं कि अगर टेंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8 और 9, अगर वंस प्लेस पे सॉरी अगर टेंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी डिजिट है तो हम उसमें 100 पे जो डिजिट होती है हम उसमें प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको टेंस पे 5 है तो सबसे पहले 0 और वंस को भी हम 0 करते हैं, और हम प्लस करते हैं 100 की डिजिट को। तो अगर हम 100 की डिजिट को प्लस करेंगे तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे आ गया 2, इसलिए ये हो गया 200। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नियरेस्ट 100 में हम कैसे उसको राउंड करते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल और देते हैं, 160 में हमने बोला अगर आपको टेंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8 या 9 डिजिट है तो सबसे पहले हम करते हैं उसको ज़ीरो करते हैं, और अगर 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी डिजिट टेंस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस पे देखो इसमें 6 डिजिट आ रही है, अगर इन डिजिट में कोई भी डिजिट आ रही है टेंस प्लेस पे तो हम 100 प्लेस में जो डिजिट होती है यानी कि ये 1 है तो हम इसको यहाँ पे इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे इसका जो राउंडिंग नंबर है वो निकल के आएगा 200। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा 275, इसका आप देखो 275 में इसका राउंड नंबर करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है। हमारे पास टेंस प्लेस पे 7 डिजिट है जो कि 5, 6, 7, 8, 9 के ग्रुप में आती है, ठीक है। अगर टेंस प्लेस की डिजिट इस ग्रुप में आती है, अगर टेंस प्लेस की डिजिट इस ग्रुप में आती है जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 है, तो हम क्या करते हैं, जो 100th प्लेस पे नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 100th प्लेस पे नंबर 2 है, हम उसमें प्लस 1 ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, टेंस और वंस प्लेस के जो भी डिजिट हैं उनको हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम 0 में ही हमेशा कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये राउंडिंग नंबर है, ठीक है। तो ये जो 100th प्लेस पे नंबर 2 था उसमें 1 ऐड किया तो 3 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका जो आंसर है वो निकल के 300 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको एक चैप्टर देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 के हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में करिएगा और हमें भेजिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इज़ 125। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अगर हमें नियरेस्ट 10 का राउंड करना है तो उसमें सीधे से देखना है कि अगर वंस प्लेस पे 1, 2, 3 या 4 होता है तो हमें क्या करना होता है कि उसको ज़ीरो करके और जो 100th प्लेस पे या 1th प्लेस पे डिजिट होती है उसको हम सेम रखते हैं,
तो इसमें एग्जांपल वंस प्लेस पे फाइव है, अगर वंस प्लेस पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो हमको उसको राउंड फिगर में टेंस प्लेस में वन ऐड करके लिखना होता है। जैसे 125, तो हमको 125 को 130 लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप 100 पे। तो जैसा हमने आपसे बताया था कि 100 जो नियरेस्ट 100 होता है उस पे टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है वो डिपेंड करता है उस डिजिट के ऊपर। अगर टेंस प्लेस पे 1, 2, 3, 4 है तो हमको क्या करना है, जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको हमको सेम रखना है, बाकी का 0-0 कर देना है। और अगर टेंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो हमको जो उसका 100 डिजिट पे या फिर 1000 पे ऐसे करके जो भी उस डिजिट होती है लास्ट की उसमें +1 कर देना है, और इससे हमारा राउंड नंबर राउंड ऑफ निकल आएगा। जैसे कि 456, तो टेंस प्लेस पे 5 है तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 500, क्योंकि 4 में हमको 1 ऐड करना है तो 5 हो जाएगा, और हमको टेंस और वंस प्लेस पे 0-0 करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको अच्छे से करना है। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।